बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस को 200 करोड़ के ठगी मामले में एक बड़ी राहत मिली है। एक्ट्रेस को पटियाला हाउस कोर्ट से 50,000 के बॉन्ड पर जमानत दी गई है। हाल ही में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने एक्ट्रेस से 15 घंटे तक पूछताछ की थी। ईडी से हुई पूछताछ के बाद ये दावा और भी ज्यादा पुख्ता हो गया कि सुकेश और जैकलिन का सॉलिड कनेक्शन है, जिसके बाद पटियाला कोर्ट को भी मामले में दखल देना पड़ा और जैकलिन को कोर्ट में पेश होने के लिए सम्मन भेजा गया, जिसके बाद जैकलिन आज कोर्ट में पेश हुई थी और उन्हें इंटरिम बेल पर छोड़ दिया गया है। 17 अगस्त को ईडी ने चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें जैकलिन को भी 200 करोड़ के वसूली केस में आरोपी पाया गया था, जिसके बाद जैकलिन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ गई थी। हालांकि अब कोर्ट की तरफ से जैकलिन को राहत मिल गई है, उन्हें इंटरिम बेल दी जा चुकी है। जैकलिन फर्नांडिस के ड्रेस डिजाइनर लिपाक्षी ने भी इस केस से रिलेटेड काफी सारी बातों पर खुलासा किया है। उन्होंने ये कबूल किया है कि जैकलिन को कपड़े और गिफ्ट देने के लिए सुकेश ने उन्हें 3 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन उनके डिजाइनर ने ये बात भी साफ कर दी है कि चंद्रशेखर की गिरफ्तारी की खबर आने के बाद जैकलिन फर्नांडिस ने उनसे हर तरह का रिश्ता तोड़ लिया था। दोस्तों आपको बता दें कि सुकेश चंद्रशेखर के केस से जुड़े मामले में काफी सारी एक्ट्रेसेस का नाम सामने आ चुका है, इसमें नोरा फतेही भी शामिल है। जी हाँ दोस्तों, जैकलिन के अलावा नोरा फतेही से भी कुछ टाइम पहले पूछताछ की गई थी। जैकलिन और नोरा के अलावा भी कई सारे नाम इस केस में सामने आए थे, जिसमें निकी तंबोली का नाम भी शामिल था। दोस्तों आपको बता दें कि जैकलिन फर्नांडिस से पूछताछ के बाद उन्होंने ये कबूल किया था कि वो उनसे शादी करने का फैसला कर चुकी थी। सुकेश चंद्रशेखर के पास्ट को इग्नोर करने के बाद सुकेश के साथ शादी रचाने वाली थी जैकलिन फर्नांडिस। इन सभी बातों का खुलासा ईडी से हुई पूछताछ के दौरान हुआ है, जिसे जैकलिन फर्नांडिस ने खुद कबूला है। और उसके बाद जैसे ही उनके ड्रेस डिजाइनर लिपाक्षी की स्टेटमेंट सामने आई, हर कोई हैरान रह गया। उनके ड्रेस डिजाइनर लिपाक्षी से तकरीबन 7 घंटे तक पूछताछ की गई, जिसमें उन्होंने काफी सारे खुलासे किए। उन्होंने ये भी बताया कि सुकेश किस तरह से उन्हें पैसे दिया करते थे जैकलिन के लिए गिफ्ट्स और कपड़े खरीदने के लिए। दोस्तों जब से जैकलिन फर्नांडिस का नाम इस केस से जुड़ा है, जैकलिन फर्नांडिस काफी ज्यादा मुश्किलों में आ गई हैं। लगातार वो सुर्खियों में बनी हुई हैं और अब एक बड़ी न्यूज सामने आई है कि उनको इस केस में थोड़ी सी राहत मिल गई है। 200 करोड़ के ठगी मामले में जैकलिन फर्नांडिस को इंटरिम बेल पर छोड़ दिया गया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने समन भेजा था, जिसके बाद वो आज कोर्ट में पेश हुई थी और उसके बाद उन्हें 50,000 के बॉन्ड पर बेल मिल गई है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहे फिल्मी बीट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें।